श्री हेमकुंड साहब जी गुरुद्वारा के को ध्वस्त करने के विषय में मीडिया पर जो बात चल रही थी, ये पंजाब में हरियाणा में जहां जहां भी संतें हैं वहां पर ये आवाज जब पहुंची तो संतों के हृदय को हृदय आहत हुए, उनके जो धार्मिक भावना आहत हुई। इसको देखते हुए पंजाब में लुधियाना से और हरियाणा में कुरुक्षेत्र से भाई जबरजंग सिंह जी, मंगू मठवाले, भाई दमनदीप सिंह जी, वो पंजाब से चलकर कुरुक्षेत्रा से चलकर बठिंडा से लुधियाना से चलकर यहां पर आए थे कि हम देखें कि भी इसके बारे में क्या होने जा रहा है। इस विषय में जब इनसे बात हुई तो इनको ये विश्वास दिला दिया गया है कि या नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन थी, मिस इंटरप्रिटेशन थी मीडिया की ओर से। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये संतों की जानकारी के लिए अपनी ओर से जो शब्द जो कहना चाहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास जबरजंग सिंह, मंगू मठवाले, बठिंडा तो मैं एक खबर सुनी सी आज तक दे उपर 3 जून नू 58 नंबर खबर एक नशर हुई सी कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहब दे नाल नंजा जेडे होटल ते दुकाना ने उन्हां दे नाल गुरुद्वारा साहब नू ध्वस्त ढाल दिता जाऊगा। मैं वह खबर सुन के जो लाइव होके दसिया तो यह सिंह मेरे नाल उतों चल के असीं इत्थे रात पहुंचे हाँ उहदे बारे खबर लैण वास्ते कि इहदा जिहड़ा मैटर की हैगा कि वह क्यों ढाया जाऊगा। तो सानू इत्थों दे प्रशासन ने जिहड़ी उह दसी आ कि वह किसी ने रिट पाई सी उहदे मुताबक एक होयागा, उहदे मुताबक किसी आयागा फैसला हाईकोर्ट का, उहदे उन्होंने अज तक आलिया ने वह चला दिती ते प्रशासन वालों सानू भरोसा इन्हां नू भरोसा दिता गया गा कि इस तरह का कोई कुछ नहीं किया जाऊगा। तो असी इत्थे आके इन्हां तों जिहड़ी रिपोर्ट लई आ उहदे मुताबक अजे इस तरह सानू नहीं कुछ दसिया। बाकी अगे जिहड़ी उह गल तुहानू दमनदीप सिंह जी दसणगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, सब तो पहला भाई जबरजंग सिंह जी वधाई दे पात्र ने जिन्होंने लाइव होके सब तो पहला इस मुद्दे नू संगत दी कचहरी दे विच रखिया। ओ रखण तो बाद जिद्दां जबरजंग सिंह जी ने कहा कि इन्हां को साधन नहीं सीगा ते महाराज साधन बनाउंदा हुंदा कलगीधर दी कृपा दे नाल चार सिंह वख वख थावां तों ते वख वख थावां तों होर सिंह भी इधर नू चाले पाए इत्थे पहुंचे हाँ ते सानू दर्शन सिंह जी नाल मिले हाँ ते सेवा सिंह जी दी वीडियो एक जारी हुई आ उहदे तों भी इन्हां दोनां गल्लां तों पता लगदा कि ये जिहड़ी गल है ये झूठी है। कहा जा रहा है कि आज तक चैनल वालों ये मिसगाइड करन वाली न्यूज चलाई गई है जबकि आज तक एक जिम्मेवार चैनल है, पर फिर भी उहदे तों जे गलती हुई आ चलो ठीक है। दर्शन सिंह जी ने सानू विश्वास दवाया भी एह जी कोई गल या कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेवा सिंह जी ने भी सानू विश्वास दवाया भी एह जी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सो मैं जबरजंग सिंह जी का फिर एक बार धन्यवाद करदा, बहुत बहुत धन्यवाद है सिंह दा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री चुनी आप जी नूं धन्यवाद देंदा है कि आप जी गुरु घर प्रति दर्द रखते हो तभी आप जी आए हो। असीं अकाल पुरख के चरणों में अरदास करते हाँ कि गुरु आप जी नूं हिम्मत बख्शे कि गुरु घर की सेवा में आप जी लगे रहो ते ट्रस्ट नूं भी ये तौफीक देवे गुरु संगतां की सेवा करता रहे और ये यात्रावां निर्विघन चलदियां रहन। जो कोरोना वायरस की करके लेट होया है वो भी छेती ही ठीक होवे ते संगतां बहुत तत्पर हन गुरु स्थान के दर्शनां वास्ते आउण लई और गुरु कृपा करे कि उस तों भी मुक्ति छेती मिले ते तां जो संगतां दी भला दी शरदा। असीं धन्नवादी आ ट्रस्ट दे जिहड़ा इह सारा प्रोग्राम सांभ रहा गा ते पर असीं विश्वास दिवाउणा चाहुंदे आं ट्रस्ट नूं भी ते इक तुहाडे माध्यम राहीं असीं सरकार नूं भी इह कहिणा चाहुंदे आंगे कि जे इस तरह का कुछ किया जाता है तो हजारां लखां की गिनती दे विच संगतां आउणगीआं ते ट्रस्ट नूं भी विश्वास दिवाउणे आंगे इत्थे कोई कल्ले नहीं सारी संगत सारे विश्व का हर भाईचारे का हर कम्यूनिटी का लोग तुहाडे नाल ने। इस तरह का कुछ हुंदा तां सारी कम्यूनिटी सारी दुनिया इस मसले दे नाल आ सिख धर्म दे नाल आ ट्रस्ट दे नाल आ। बोले सो निहाल।